इस वीडियो में हम गूगल की तरह जीमेल पे जैसे हम पासवर्ड ऐड करते हैं उसे बनाने की कोशिश करेंगे एंट्री बॉक्स को। तो सबसे पहले अपना मॉड्यूल इंपोर्ट कर लेते हैं फ्रॉम किंटर इंपोर्ट स्टार, ये हम कई बार कर चुके हैं। अपनी विंडो बनानी पड़ेगी रूट इज इक्वल टू टीके नाम की, और उस विंडो को इन्फाइनाइट टाइम चलाना है तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, रूट डॉट मेन लूप। तो ये तीन लाइन तो हमें हर प्रोग्राम में लिखनी है जहाँ पर भी हम विंडो का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो देखो हमारी एक छोटी सी विंडो बन गई, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, आगे करते हैं। अब हमें क्या करना है कि एक एंट्री बॉक्स बनाना है, ठीक है, जिसमें हम अपना पासवर्ड लिख सकें। तो लिखते हैं एंट्री इज इक्वल टू एंट्री, और इस एंट्री बॉक्स को किसके अंदर डालेंगे, रूट के अंदर, ठीक है। और इसे प्लेस कर देंगे, कोऑर्डिनेट्स दे देना, प्लेस का मतलब क्या होता है, उसे कोऑर्डिनेट्स दे दिए कि एक्स इतने पे और वाई इतने पे, अपनी मर्जी से कोऑर्डिनेट ले सकते हो। यहाँ पर मैं एक्स 10 ले लेता हूँ और वाई ले लेता हूँ 50, ठीक है। अब इसे भी चेक कर लेते हैं, तो देखो बॉक्स आ गया। अब ये थोड़ा वाइट वाइट दिख रहा है, थोड़ा सा क्लियर दिखे तो ऐसा कर लेता हूँ कि इसमें कलर दे देता हूँ, बीजी कलर, ठीक है ना। तो अगर बीजी लिख दोगे, मान लिया येलो दे दिया मैंने, तो अब उसमें एंट्री बॉक्स में कौन सा कलर दिखेगा, येलो कलर। देखो दिख रहा है ना, अब चमक रहा है, ठीक है, बढ़िया। अब हमें क्या करना है, एक बटन बनाना है जिससे बटन में हम अपना पासवर्ड ऐड कर सकें। तो लिखते हैं बटन इज इक्वल टू बटन रूट, ठीक है। यहाँ पे टेक्स्ट ले देते हैं बटन को, हमारा टेक्स्ट क्या होगा, पासवर्ड, और इसको भी हमें प्लेस करना पड़ेगा। एक्स के कोऑर्डिनेट तो वही रखते हैं, 10 रखते हैं, वाई को थोड़ा नीचे ले जाते हैं, मान लिया 30 से बढ़ा दिया, तो एक्स 10 ले लेते हैं, वाई ले लेते हैं 80, ठीक है। और बटन के अंदर एक कमांड आती है, अभी तो वो नहीं लिख रहे हैं, अभी बस देखते हैं कि हमारा बटन बना है या नहीं, प्रॉपरली दिख रहा है या नहीं, अभी तो नहीं दिख रहा, एक बार और चेक करते हैं, कोई एरर आ रही है शायद, अभी तक तो सही है। चलो एक बार और रन करके देखते हैं, शायद आ जाए, ठीक है, अब करते हैं रन। देखो आ गया, ठीक है ना, हमारा बटन आ चुका है, बट अब ये कुछ कर नहीं रहा है, अगर मैं इसे प्रेस कर रहा हूँ तो कुछ हो नहीं रहा है। अब करते हैं, अब हमें कमांड बनानी है जिसकी हेल्प से ये बटन काम करेगा। तो अब थोड़ा सा साइज़ बढ़ा देते हैं टेक्स्ट का, तो यहाँ पे मैं फंक्शन डिफाइन करेंगे हम प्रिंट्स नाम का, तो लिख लेते हैं कमांड इज इक्वल टू प्रिंट्स। तो जैसे ही मैं बटन दबाऊंगा ये फंक्शन कॉल हो जाएगा, किस नाम से, प्रिंट्स नाम से, प्रिंट नाम से मत देना क्योंकि वो तो इनबिल्ट कमांड है, एरर दिखा देगा, ठीक है। तो प्रिंट्स लिखना या कोई और नाम दे दो, डिस्प्ले लिख लो, डिस्प्लेज लिख लो। तो अब लिखते हैं हमारा फंक्शन डेफ प्रिंट्स, ठीक है। पर उससे पहले क्योंकि हम एक पासवर्ड ऐड करेंगे उसके लिए एक वेरिएबल होना चाहिए, तो एक वेरिएबल बना लेते हैं पासवर्ड नाम का, और क्योंकि पासवर्ड में नंबर भी होते हैं, अल्फाबेट्स भी होते हैं, तो उसे नाम दे देंगे स्ट्रिंग वेयर। स्ट्रिंग वेयर मतलब नंबर भी डाल सकते हो, अल्फाबेट्स भी डाल सकते हो, इंट वेयर डाला तो सिर्फ नंबर डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम एंट्री बॉक्स में टेक्स्ट वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं, टेक्स्ट वेरिएबल किस नाम का है, हमारा पासवर्ड, ठीक है। तो यहाँ तक ये पूरी बात सेट हो चुकी है, अब बस हमें क्या करना है, अपने वेरिएबल को डिफाइन करना है, अपने फंक्शन को डिफाइन करना है, जो कि किस नाम का है, प्रिंट्स नाम का। तो लिखते हैं डेफ प्रिंट्स पैरेंथेसिस कोलन। अब हमें क्या करना है, प्रिंट कराना है, क्या प्रिंट कराना है, एक तो ऐसे प्रिंट करा देते हैं कि पासवर्ड है ना, कि पासवर्ड क्या है हमारा, ये है, तो ये क्या लिखेंगे, योर पासवर्ड कॉमा, प्लस मत लगाना, कॉमा लगाना है, और हम एंट्री बॉक्स से ये वैल्यू उठा लेंगे, तो क्या लिखेंगे, पासवर्ड डॉट गेट, क्या लिखेंगे, पासवर्ड डॉट गेट, ठीक है। और क्लियर भी करा देते हैं, या क्लियर छोड़ दो, क्योंकि क्लियर से हमें कुछ फ़ायदा नहीं है, हमें इसे प्रिंट कराना है, तो क्लियर वाला फंक्शन हटा देते हैं, ठीक है। तो क्लियर की मुझे कोई यूज़ नहीं लग रहा, तो इसे हटा देता है, ठीक है। नहीं, अब रन करके देखते हैं, देखो हमारा प्रोग्राम रन कर रहा है या नहीं, तो देखो बिल्कुल, अच्छा प्रिंट्स नाम का एरर आ रहा है। अच्छा देखो मैंने वहाँ पे ऊपर डेफ में क्या लिख दिया, प्रिंट, बल्कि मुझे क्या लिखना चाहिए था, प्रिंट्स। अब करते हैं, अब हम पासवर्ड एंटर करेंगे इसमें, एक बार और रन करते हैं, तो देखो पासवर्ड आएगा, ठीक है, देखो आ रहा है लिखा हुआ, ठीक है। और अगर मैं पासवर्ड बटन दबा रहा हूँ तो वहाँ पर देखो बिल्कुल नीचे राइट साइड पर लिखा हुआ आ रहा है, योर पासवर्ड इज़ जो भी है, ठीक है। अब दिक्कत क्या आ रही है, क्योंकि ये पासवर्ड है तो ये स्टार फॉर्म में आना चाहिए था, जैसे हम कहीं पर भी पासवर्ड ऐड करते हैं स्टार फॉर्म में आता है ना, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, शो लिखना पड़ेगा, शो इज इक्वल टू एस्ट्रिक। एस्ट्रिक से क्या होता है, वो सारी चीज़ें जो भी तुम टाइप करोगे वो एस्ट्रिक में आएगी, पासवर्ड नहीं आएगा। अब करते हैं इसे प्रेस करते हैं, अभी इसे दोबारा रन करना पड़ेगा, करते हैं रन, ये आ गई हमारी F5 करते हैं विंडो, एक सेकेंड रन करते हैं, क्या आ रहा है, इज़ वैलिड इनवैलिड इंडेक्स, अच्छा यहाँ पे जो एस्ट्रिक है वो डबल इन्वर्टेड कॉमर्स में आएगा, देखो आ गया। अब लिखो, अब देखो जो भी तुम लिखोगे एस्ट्रिक में आ रहा है नहीं आ रहा है, अब इसे प्रिंट करो, तो देखो जब प्रिंट करोगे तो ये तुम्हारा पासवर्ड दिखाएगा। देखो यहाँ पे हमने प्रेस करा और देखो वो लिखा हुआ दिखा रहा है, नीचे दिखा रहा है ना, बिल्कुल राइट नीचे, देखो क्लियर है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, जीमेल का एक लॉगिन अकाउंट बना सकते हैं, किसी भी अपनी मर्जी का, अपनी वेबसाइट का लॉगिन अकाउंट बना सकते हैं और उसमें पासवर्ड ऐड